नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए इस वीडियो में, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट लेके आ गए हैं। अपडेट क्या है कि जिस तरह से पता है होगा आपको या नहीं भी पता होगा तो बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो पंकज कुमार हैं, जी हाँ पंकज कुमार जी ने क्या किया है, जितने भी जिले के सभी जिले के अधिकारियों को पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा है और पत्र में एक लिस्ट भेजा है उन शिक्षकों का जो 18 महीने का डीएलएड कोर्स किए हैं और उनको जो नौकरी हो चुकी है बिहार के जो टीआरई जो वैकेंसी आई थी उसमें। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कहा गया है कि उनके जो प्रमाण पत्रों हैं उनकी जांच करने के लिए पूरा अपडेट है इस मामले में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खबर है। देखो मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है डिस्टेंस से 18 माह का जो डीएलएड करने वाले की भी हो गई है नियुक्ति। पूरा खबर आइए जानते हैं। कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर से खबर है, डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वालों की भी हो गई है नियुक्ति। बीपीएससी पहले चरण में मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों के चयन का मामला सामने आया है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इन जिलों के अधिकारियों को इन शिक्षकों की सूची भेजी है और जाँच करने को कहा है और कहा है कि सूची में 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे शिक्षक हैं। कोर्ट में मामला जो जाने के बाद इनकी जांच शुरू हुई है और संबंधित शिक्षकों के जो डीएलएड के प्रमाण पत्रों हैं उनको लेकर भी साक्ष्य रिपोर्ट मांगी गई है। यानी उनके जो डॉक्यूमेंट है 18 महीने का डीएलएड का सर्टिफिकेट है उसको जांच करने को पुनः कहा गया है। ठीक है, वही देखो दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर 2 साल के जो डीएलएड पर मतलब कह सकते हैं 2 साल के डीएलएड पर ही नियुक्ति होना था और 18 माह का डीएलएड पर हो गया है नियुक्ति। वही दोस्तों ऐसे शिक्षकों की संख्या बढ़ते अनुमान का है, इसे लेकर डीएलएड पर बाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच का भी आदेश जारी हुआ है। तो मतलब साफ से क्या कहा जा रहा है कि उनका 2 वर्ष का जो डीएलएड होना चाहिए तभी उनका नियुक्ति हो पाएगा, यानी 18 महीने का उनका नियुक्ति कैसे हो गया। तो ये हो सकता है जरूर आपका टीआरई 2.0 का बात हो रहा होगा, क्योंकि 1.0 का बात करें इसमें तो जो डीएलएड वाले थे इससे पहले तो लागू नहीं था, ये नहीं कि हम लोग केस हारे थे डीएलएड में। ठीक है, तो इसके वजह से 1.0 जो है उनका बहाल कर दिया गया। हाँ वो डीएलएड वाला भी कर सकता है नौकरी, लेकिन टीआरई 2 में क्या कर दिया गया था, जब हमारा सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया था तो टीआरई 2 में क्या कर दिया गया, 18 महीने का शिक्षकों को बंद कर दिया गया लेना। अब दोस्तों उनका रिजल्ट ही देना ही बंद कर दिया, लेकिन एक यहाँ पर क्या किया गया था, एक मतलब कह सकते हैं एक साइट खोला गया था इनके पोर्टल पर और वहाँ पर बताया गया था कि आप 18 मंथ के हैं, 2 साल के हैं, 24 महीने का है, ये आप डालिए। तो यहाँ पर लोगों ने 18 महीने का डाला था तो उनका क्या हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि डालना भी चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा होशियार बन के क्या कर दिए, नहीं डाले हैं, अपना क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वो नहीं डाले थे वहाँ पर कि हम 18 महीने का या कुछ भी है, या फिर हो सकता है वो लोग जानबूझकर ज़्यादा महीने का डाल दिए, 24 महीने का 2 साल का डाल दिए हो, जानबूझकर भी डाल सकते हैं ऐसा। तो इसी की वजह से अभी पकड़ा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग और इन सभी की नियुक्ति मतलब इन सबकी नियुक्ति हो गई थी और इन सभी की नौकरी जाएगी, यानी फिर से प्रमाण पत्रों की जांच कही जा रही है इसमें। और दोस्तों कहा जा रहा है 2 साल के डीएलएड पर ही होगी नियुक्ति, मांगी गई साक्ष्य रिपोर्ट। दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि कोर्ट ने दिया है नया आदेश, मतलब एक कोर्ट ने दिया था नया आदेश, कहा गया था 18 महीने का प्रशिक्षण नहीं होगा मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था, और निदेशक ने दिशा निर्देश का दिया है कि निर्देश दिया है कि यह जो है बात कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दायर किया गया है और प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति के मामले में जहाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हो गए 28 नवम्बर 2023 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए 18 महीने का खुला और दूरस्थ शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा और 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। और टीआरई 1 से ऐसे सर्टिफिकेट पर नियुक्ति शिक्षकों संबंधी जानकारी मांगी गई है। पटना, पूर्णिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया के DEO का निर्देश दिया गया, तो इन सभी में से क्या किया गया है, ऐसे जगहों पर मांगा गया पूरा स्पष्टीकरण जो डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए। तो ये पूरा आखिर अपडेट है, अब इसमें फिर से पकड़ाएंगे। तो चलिए हम लगातार जुड़े हुए हैं, आपको बताओगे अब नई फिर से डेट डाल दी गई है हेयरिंग की। तो चलिए दोस्तों ये था आपको पूरा अपडेट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से या फिर NIDLED से हर अपडेट पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।